लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, लसा और मसा के, एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, मैंने इसको सबके लिए बोला, आप कोई भी एग्जाम देते हैं, आप गणित में तेज थे लेकिन बहुत सारे चीजों को कभी कभी होता है कि भूल जाते हैं, तो इसे आप एक रिफ्रेश कोर्स के तरह भी समझ सकते हैं, और जो नहीं जानते थे उनके लिए तो ये तैयारी का एक सबक भी बनता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या सीखना है। पहला है बड़ा सिंपल जो है, लघुत्तम समावर्तक निकालना, एलसीएम निकालना, फिर हम एचसीएफ निकालने की विधि को सीखेंगे, फिर है कि दशमलव में डेसिमल के जो फिगर होते हैं उनका एलसीएम कैसे निकाला जाता है, इसे बहुत लोग भूल चुके होंगे, फिर क्या है कि भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है, फिर घातांक का लघुत्तम समावर्तक निकाला जाता है सर्ड्स का, फिर दशमलव का महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है, फिर भिन्न का महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है, फिर घातांक या सर्ड्स का महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है। इतने सारे चीजों को हम सीखेंगे और इसके बाद बेसिक का कुछ नहीं रह जाता है, फिर तो हमें सवाल को हल करना होता है। तो चलिए आज के क्लास हम शुरू करते हैं। आप सभी का अभिनंदन है, मैं डीडी रॉय डीडी एकेडमी की तरफ से। अब आइए लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। देखिए, इसकी दो विधि का मैंने मेंशन किया है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। देखा जाए तो इसमें भाग विधि काफी आसान होता है करने में, लेकिन अगर आप गुणनखंड विधि से करते हैं बहुत ज्यादा जरूरत भी हो जाता है, बड़ी तेजी के साथ मैथ हो जाता है। देखिए, 12 को हम तोड़ते हैं, 12 का मतलब है दो दूनी चार, चारतियां ही 12, तो दो दो 12 है, इसलिए 2 का स्क्वायर गुना 3 लिखा। 16 को हम तोड़ते हैं, दो दूनी चार, चार दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 कितना है 4 बार है, 2^4 लिख दिया। 24 है, देखिए अब इसको तोड़ते हैं, दो दूनी चार, चार दूनी 8, 8 तीन 24, मतलब 2^4 गुना 3 हो गया। अब 36 को लिखते हैं, 36 को लिखते हैं, दो दूनी चार, चार तियां 12, 12 तियां 36, तो मतलब 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। अब लघुत्तम समावर्तक इन 12, 16 और 24 और 36 का क्या होगा? तो देखिए, यहां पे सबसे ज्यादा पावर यहां पे 2^2 है, मैंने 2 का स्क्वायर है, 2^4 है, यहां भी 2^4 है, यहां 2^2 है, 2 का पावर सबसे बड़ा क्या है 4 है, तो हमने 2 का पावर 4 लिख दिया। अब 3 पे आते हैं, तो गुना का सिंबल गुना लिख दिया, यहां 3 है और यहां 3 का स्क्वायर है, तो सबसे बड़ा क्या है 3 का स्क्वायर है। तो फिर हमने क्या किया, 2 को अब तोड़ते हैं, अब इसको कितना संख्या में बलना है, तो 2 को 4 बार गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 लिख दिया, 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिहाई 9 हो गया, 16 को 9 से गुणा कर दिया, 144 हो गया। ये आपका गुणनखंड विधि में हुआ, आपको दोनों विधि को याद रखना है। अब हम दूसरी विधि पे आते हैं, वो है भाग विधि। भाग विधि में 2 से हम 12 को भागा देते हैं, 6^2, फिर 2 से हम 16 को भागा देते हैं, 8^16, 2 से हम 24 को भाग देते हैं, 12^24, 2 से हम 36 को भागा देते हैं, तो 9^18, ठीक है, सॉरी 18^36, फिर हम इसको 2 से भागा देते हैं, देखिए सब में भागा जा रहा है, 2^3 6, फिर 8 को भागा देंगे तो 4^8 होगा, 2 से अगर 12 को भागा देंगे तो 6^12 होगा, फिर 2 से 18 को भागा देंगे तो 9^18 होगा। अब देखिए, यहाँ पे 4 और 6 ये दो जो है 2 से कटते हैं, तो फिर 2 से काटते हैं हम, तो 3 का तो ऐसे ही 3 कटा नहीं, पूरा निकल गया रख दिया हमने, 4 को काटा तो 2^2 4, फिर 6 को काटा तो 3^2 6, 9 तो ऐसे का ऐसे ही आके बैठ गया। अब देखिए, 3 से हम भागा दे रहे हैं, 3^1 3, 2 नहीं भागा जाएगा, 2 ऐसे ही रह गया, फिर 3^1 3 और 3^3 9। अब देखिए, यहाँ पे 2 और 3 है जो नहीं जाएगा, फिर लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, देखिए वही है, 2^2 4, 4^2 8, 8^2 16 हो गया, ये 16 हमने लिख दिया, फिर 3^3 9, 16 को 9 से गुना किया तो 144 हो गया। तो देखिए, ये बहुत ही मतलब इजीएस्ट मेथड है। तो हम दो गुणनखंड विधि को जाने और दो विधियों को जाना हमने, एक गुणनखंड विधि और एक
भाग विधि, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं उसको विस्तृत रूप से बोलूं, क्या कि विस्तृत रूप से बोलने लायक कुछ चीज है ही नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आइए अब उन्हीं संख्याओं का 12, 16, 24, 36 का हम भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालते हैं और साथ साथ में एक देसी भागा सिस्टम से भी हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने दो अलग अलग संख्याएं लिया हुआ है और इसके साथ ही साथ कुछ आपको आलोचना करते हैं, कुछ जानकारियां देते हैं कि हम भाग विधि इस तरह के जो लॉस ऑफ प्रोसेस में निकालते हैं वो कहाँ निकालेंगे, इस तरह का प्रोसेस कहाँ अपनाएंगे, क्योंकि दोनों ही आपस में काफ़ी ज़रूरी है। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि इस तरह की चीज़ों को आसानी से आप इस तरह की चीज़ों से निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम बताते हैं कि देखिए लॉसा जैसे निकालते हैं, लॉसा में क्या था, यहाँ पे अगर चार संख्या में दो संख्या भी किसी संख्या से कटता है तो हम एक स्टेप करते थे, लेकिन अगर महत्तम समावर्तक निकालना है तो सारे इन संख्याओं को जिस संख्या से हम भागा दे रहे हैं कटना चाहिए। तो देखिए दो से हमने फिर 12 को भागा दिया तो 6 हुआ, दो से 16 को भागा दिया तो 8 हुआ, दो से 24 को भागा दिया तो 12 हुआ, दो से 36 को भागा दिया तो 18 हुआ, 18 × 36। अब देखिए फिर ये 6, 8, 12, 8 है, तो मतलब ये सारे के सारे दो से भागा देने जा रहे हैं। तो देखिए हमने दो से हमने 6 को भागा दिया तो 3 हुआ, दो से हमने 8 को भागा दिया तो 4 हुआ, दो से हमने 12 को भागा दिया तो 6 हुआ, दो से हमने 18 को भागा दिया तो 9 हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3, 4, 6, 9। अगर मैं दो से भागा देता हूँ 3 भागा नहीं जा सकता है, 4 भागा जाएगा, 6 भागा जाएगा, 9 नहीं जा सकता है। और अगर हम 3 से भागा देते हैं तो देखिए तो यहाँ 3 से 3 भागा जाएगा, 3 से 3 भागा जाएगा, 9 से 3 भागा जाएगा, लेकिन 2 भागा नहीं जाएगा। तो ये लसा में चलता है, मौसा में केवल उस संख्या से सारा संख्या भागा जाए वही मौसा होता है। तो देखिए इसका हमने जब निकाला लघुत्तम समावर्तक, जो पहले भी हमने देखा था कि 144 निकला, लेकिन जब महत्तम समावर्तक निकालने गए तो क्या हुआ, ये से सारी संख्याएं कट गई 2 × 2 से, तो इसका महत्तम समावर्तक 4 निकला। तो आशा करते हैं कि मैंने जानबूझ के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के एक ही सवाल को मैंने किया और एक ही जगह लिखा। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि महत्तम समावर्तक क्या होता है और लघुत्तम समावर्तक क्या होता है। इस विधि में जिसको भाग विधि बोलते हैं उसी से हम लॉसा भी कैसे निकाल ले सकते हैं, मौसा भी कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ संख्याएं होता है जैसे 713। अब है कि अब किससे काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा, 21 से भी नहीं कटेगा, और इसके ऊपर का पहाड़ा हमें टेबल हमें याद भी नहीं रहता है। तो हमारे लिए 713 को का कुछ भी पता नहीं, सेम 851 का भी होता है। तो ये विधि में हम इस किससे भागा देंगे तो दोनों कट जाएगा ये हमें पता नहीं चलता है। तो जिसके लिए जब ऐसी संख्याएं हो जो किससे कटेगा आपको पता ही नहीं चलता है तो इसके लिए अत्यंत ही है इस सिस्टम को अपना लेना जो देशी भाग। एक दोस्त बोल दो हमारा देश जो है गणित में काफी ज्यादा संपूर्ण था, ये बाहर से आया हुआ प्रोसेस है लेकिन हमारे ये दिस इज द देसी मेथड है। तो कहने का मतलब चलिए इसको क्या करते हैं जरा देख लेते हैं। 713 से हम भागा दे रहे हैं 851 को, एक बार जाएगा 713 हुआ, 851 से 713 को लेस करेंगे तो 138 आएगा। अब देखिए 138 अब अवशेष बच गया, यहाँ पे बैलेंस बच गया, तो फिर क्या किया हमने 731 को ही यहाँ उतार दिया, फिर से फिर भागा की प्रक्रिया को चालू करते हैं। मतलब अवशेष जो बचा और जो जिससे हम माने भाग दे रहे थे, भाजक जो था भाजक को यहीं पे डाल दिया। अब 138 से 5 बार गया तो 690 हुआ। अब 713 से 690 अगर घटाते हैं तो 23 होता है। तो 23 से फिर हम अब क्या करेंगे, फिर देखिए इस भाजक को हमने यहाँ पे उतार दिया 138 को, उतारने के बाद अब हम 23 से फिर भागा देते हैं तो 23 × 6 = 138 होता है, 0 हो जाता है। तो ये जो है संख्या जो है यही आपका जो है मौसा निकल जाता है। तो इस पे आपको प्रैक्टिस करना भी थोड़ा जरूरी है और इस पे उन्हीं संख्याओं पे आप प्रैक्टिस करेंगे
मतलब इस विधि को तभी आप अपनाएंगे जब आपको दोनों फिगर है, दो या तीन संख्या है। तो अभी मैंने दो संख्या का ही बेसिक का कोर्स इसलिए करके दिया हुआ है कि आपको जब किससे कौन कटेगा वो समझ में नहीं आता है तो ये विधि छोड़ के आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। मतलब किसी संख्या का अगर गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं, गुणनखंड निकालने में असुविधा होता है, तो आप इस विधि को धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं और यहीं से आप महत्तम समावर्तक निकाल देते हैं। तो चलिए, हमने लघुतम समावर्तक निकालना, महत्तम समावर्तक निकालना हमने जाना, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। चूंकि मैं YouTube में बराबर देता रहता हूं, मेरा WhatsApp नंबर सबको पता है, बराबर मेरे पास एक मैसेज आता है कि सर मेरा मैथ बहुत ही कमजोर है, मैं क्या करूं। मेरा सबसे निवेदन है कि अगर आप कमजोर हैं तो क्या पहले आप सोच लें, क्या एक आप भिन्न को जोड़ने में, भिन्न को घटाने में, भिन्न को गुणा करने में, भिन्न को भागा देने में असमर्थ हैं? क्या दशमलव के जोड़ में, दशमलव के गुणा में, दशमलव के भागा देने में असमर्थ हैं? क्या आप घातांक वाले मैथ का निकाल नहीं पाते हैं, घातांक के भागा को नहीं निकाल पाते हैं? क्या आप समीकरण के साधारण नियमों को नहीं जानते हैं? क्या आप LCM और HCF मतलब लघुतम समावर्तक, महत्तम समावर्तक में संख्याओं को निकालना, फिर लघुतम समावर्तक में भिन्न का निकालना, भिन्न का महत्तम समावर्तक निकालना, फिर आप क्या कहते हैं घातांक का लघुतम समावर्तक निकालना, घातांक का महत्तम समावर्तक निकालना, ऐसी सारी चीजों को अगर आप नहीं जानते हैं तो दोस्त जान लेना, आप कुछ भी कर लो आपको मैथ सीखना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक छोटा सा रास्ता निकाला है। अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो सपना देखे हैं वो सपना इनके बगैर पूरा हो ही नहीं सकता है। आप प्रतिशत लिख लें, सीख लें, कुछ भी सीख लें, अगर ये ऑपरेशन नहीं सीख पाएंगे तो फिर आप मैथ को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। और इसके लिए मैंने सब चीजों को देखते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, जो 7 दिन प्लस 7 दिन, 7 दिन में 5 चैप्टर सीखे जाते हैं, जिससे ये सारे चीज हो जाते हैं। साथ में नेक्स्ट 7 दिन का प्रैक्टिस सेशन होता है। ये सारा का सारा ऑनलाइन है, किसी गांव गली कूचे में आप क्यों ना हो, मेरे से 1000 किलोमीटर क्या 1,00,000 किलोमीटर भी क्यों दूर ना हो, आप उसे कर सकते हैं। और व्हाट्सएप की तरह एक ऐप है जिसका मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, उसको जैसे क्लिक करते हैं ये मेरा ऐप है, ये ऑन हो जाता है। देखिए, ये इसका पूरा चार्ज केवल 200 रुपये, ओनली 200, वन टाइम पेमेंट। तो नेचुरली क्या है कि कहीं पर भी कितना भी गरीब से गरीब हो, वो भी अगर वो कुछ सपना देख रहा है तो उसके लिए मैं हाजिर हूं। अब देखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर फोन ना करे लेकिन कुछ भी आपको पूछना है तो इस व्हाट्सएप नंबर को यूज करके हमें पूछें। इस कमजोरी से निकलने के लिए मैं आपको जवाब दूंगा और जवाब देके मुझे खुशी होगी, तो इस बात को अवश्य याद रखें। चलिए अब क्लास चलते हैं। चलिए अब सीखते हैं भिन्न जो फ्रैक्शन है उसका LCM या लघुतम समावर्तक कैसे निकाला जाए। तो देखिए, यहाँ पे 4/7 है, 8/21 है, 12/35 है, 24/49 है, इसका लघुतम समावर्तक कैसे निकालें। थोड़ा सा याद रखेंगे यार, एक चीज है, क्या निकालने के लिए बोला है, लघुतम समावर्तक। तो कहने का मतलब है जो ऊपर के फिगर्स हैं, जो चीज भिन्न में माना जाता है उस पर ऊपर के संख्याओं का क्रिया जो है वही होता है। तो मतलब लघुतम समावर्तक मांगा गया है भिन्न का, तो हम इसको दूसरे तरीके में बोलते हैं, तो इन सारे संख्याओं का हमें लघुतम समावर्तक करना होगा और ये जो संख्याएं हैं इनका महत्तम समावर्तक करना होगा। हमने दोनों विधियों को सीखा हुआ है। चलिए हम लघुतम समावर्तक करते हैं, 4, 8, 12, 24। देखिए, 4 है, 8 है, 12 है, 24 है, 2 से दिया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, फिर 2 से दिया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर हमने 2 से दिया, 1 का 1 उतर गया, 2 एक कम 2 हो गया, 3 जाता नहीं है, 3 ऐसे ही आ गया, और 3 दूनी 6, फिर 3 से हमने दिया, तो क्या हुआ, 3 एक कम 3, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि 1 1 तो नहीं जाएगा, सॉरी, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3,
तो कितना हो गया लघुतम समावर्तक, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ तिया 24। देखिए तो फिर कहने का मतलब है इसका जो लघुतम समावर्तक है वो 24 निकल गया। अब बोलता है कि हमें तो लघुतम समावर्तक निकालना था इस पूरे भिन्न का, तो मतलब ये जो पोर्शन है इसका हमें महत्तम समावर्तक निकलेगा। तो चलिए हम ले लेते हैं 7, 21, 35, 49 का हम लेते हैं, इसका महत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो देखते हैं कि ये चारों संख्या जो है 7 से कटेगी, तो 7 × 1 = 7, 3 × 7 = 21, 5 × 7 = 35, 7 × 7 = 49। अब देखिए 1, 3, 5, 7 इसमें से ऐसी कुछ भी नहीं है जो किसी एक संख्या से मैं चारों को काट सकूं, तो फिर इसका महत्तम समावर्तक क्या हो गया, 7 हो गया। तो अब क्या है कि देखिए ऊपर के माथे का जो है सबका लघुत्तम समावर्तक 24 हमने निकाला था, 24 निकाल दिया। नीचे के सारे संख्याओं का जो था उसका जो था महत्तम समावर्तक 7 था, हमने 7 को लिख दिया, तो हमारा जो लघुत्तम समावर्तक निकला वो 24/7 है। तो इसे आप याद रखेंगे। तो हमें एक सिंपल सा समझ लीजिए, फ्रैक्शन में अगर एलसीएम निकलना है तो सारे माथे का एलसीएम निकलेगा, उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, किसी फ्रैक्शन का महत्तम समावर्तक निकालना है तो उसका सारे ऊपर के संख्याओं का, चूंकि महत्तम समावर्तक बोला हुआ है, उसका महत्तम समावर्तक होगा। तो आइए अब भिन्नों का महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, तो उसके एचसीएफ के बारे में हम जान लें। तो हमने पहले भी देखिए बोला हुआ है, एक चीज तो आपने गौर जरूर किया होगा कि जब किसी हम जैसे यहां पे कोई भिन्न है, फ्रैक्शन है, तो इसकी जो जो निकालना होता है वो विधि ऊपर वाले संख्याओं का करना होता है। देखिए यहां महत्तम समावर्तक निकालने के लिए बोला हुआ है, तो मतलब क्या है, ऊपर के संख्या का पे हम महत्तम समावर्तक करेंगे और नीचे के संख्या का उल्टा करेंगे, फिर तो लघुत्तम समावर्तक करेंगे। ये तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा। तो फिर चलिए हम 4, 8, 12 और 24 जो है इसका हम महत्तम समावर्तक निकालते हैं। और महत्तम समावर्तक में क्या होता है कि जिससे हम भागा देते हैं जितनी भी संख्या है सब कटना चाहिए। तो देखिए हम 2 को भागा देते हैं, 2 से भागा देते हैं 4 को, 8 को, 12 को, 24 को, तो क्या होता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 6 × 2 = 12 और 12 × 2 = 24। अब देखिए सब ये 2 से, सारा 2 से कटने वाला है, फिर हम 2 से देते हैं सबको भागा, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 है इसलिए ये 2 से केवल ये 2 संख्या कटेगा, 3 से भी 2 संख्या कटेगा, तो हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं महत्तम समावर्तक निकालने के लिए। तो हमने चलिए इसका महत्तम समावर्तक निकाला, क्या हुआ, 2 × 2 = 4, तो ऊपर क्या हो गया, 4। अब हम ले लेते हैं महत्तम, इसकी लघुत्तम समावर्तक लेते हैं, इसकी जब हम महत्तम समावर्तक लेंगे तो नीचे के सारे संख्याओं का हम लघुत्तम समावर्तक लेंगे। तो हम देखिए 7 उतारा, 21 उतारा, 35 उतारा, 49 उतारा, ये सारी संख्याएं यहां आ गई, ठीक है ना, तो ये सारी संख्याएं को हमने यहां लेके आ गए। अब देखिए हम 7 से देते हैं, 7 × 7 = 7, 21 को भागा देते हैं 3 × 7 = 21, 7 × 35 को भागा देते हैं 5 × 7 = 35, 49 को 7 से भागा देते हैं 7 × 7 = 49। अब देखिए इसमें से कोई संख्या कटने वाला नहीं है, तो नेचुरली हम क्या करते हैं, हम सारे का जो है एलसीएम जो है इसको सबको गुणा कर देते हैं, एलसीएम निकालना है चूंकि हमें। तो देखो ये क्या हुआ, 7 हुआ, ये 3 आ गया, 3 × 7 = 21 हुआ, 21 को अगर 5 से गुणा करते हैं तो 105 हुआ, 105 को अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो 105 को 100 को 7 से गुणा करेंगे तो 700, 5 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो 35, तो टोटल हो गया 735। तो फिर इस भिन्न का जो है, इस भिन्न का जो है महत्तम समावर्तक क्या निकला, देखिए ऊपर के सारे संख्याओं का जब हमने महत्तम समावर्तक निकाला तो वो 4 हुआ, और जब नीचे के सारे संख्याओं का जब हमने लघुत्तम समावर्तक निकाला तो 735 हुआ। तो हमारा जो आंसर इस सारे भिन्नों का जो है वो महत्तम समावर्तक जो होगा 4/735 हुआ। तो आशा करते हैं कि ये चीजों को आपने सही तरीके से समझ लिया होगा। अगर इस पर 2 मैथ या 4 मैथ की प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके साथ जाएगा, नहीं तो केवल वीडियो देखते के चक्कर में रहेंगे तो इसे आप भूल जाने का भी समस्या खड़ा हो जाता है। वेलकम टू DD Academy। फर्स्ट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो क्लिक द बेल बटन, आफ्टर यू विल गेट एवरी वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन।
देखिए दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक निकालने की विधि बहुत ही ये देखिए इसके भी हमें जरूरत पड़ता है और एग्जाम में तो ऐसे सवाल आते ही रहते हैं। जैसे 1.2 हुआ, 0.016 हुआ, 0.24 हुआ और 3.6 हुआ। तो देखिए हमने पहले आपको बताया हुआ कि गुणनखंड विधि या आप भाग विधि, तो हमने गुणनखंड विधि से इसका पहले देखिए हम दशमलव को भूल जाते हैं यहाँ पे, सीधा हम 12 का, 16 का, 24 का, 36 का हम पहले निकालते हैं, दशमलव को भूल जाते हैं। लघुत्तम निकालने की प्रक्रिया में हम आते हैं, देखिए हमने पहले भी देखा है कि हम 144 तक आ जाते हैं, सिंपल एलसीएम निकालते हैं पहले, फिर वहां भी यही है, वो है भाग विधि में जो आपको सिखाया गया वही संख्या है। देखिए अब 1.2 का हमने क्या लिया, देखो 1.2 का हमने 12 लिया, 0.16 का क्या लिया, 16 लिया, मतलब दशमलव आगे के जो दशमलव है पीछे के जो दशमलव है सबको हटा देते हैं, तो 12, 16, 24, 36 लिया और उसके एलसीएम में आके ये दो विधि है लेकिन आंसर तो एक ही आएगा ना, 144 ले लिया। अब हमें लघुत्तम समावर्तक निकाल रहे हैं तो हम ये देखना कोशिश करते हैं इकाई के बाद दशमलव सबसे कम में कहां लगा हुआ है। देखिए यहां पे ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, मतलब तीन संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है। यहां भी देखिए एक संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है, यहां तीन संख्या के बाद दशमलव लगा है, यहां एक संख्या के बाद दशमलव लगा है, और हम दशमलव की गिनती कहां से करते हैं, इकाई के स्थान से, मतलब सबसे राइट एंड के सबसे दाएं तरफ के, ये दाया है और दाएं तरफ के आखिरी अक्षर से। यहां देखिए 24 है, 24 का मतलब एक और दो, दो संख्या के बाद दशमलव लगा है। यहां देखिए 3.6 है, 6 के बाद, एक के बाद सा है, तो सबसे कम संख्या के बाद जो लगा हुआ है दशमलव वो ये है और ये है, और सबसे कम संख्या के बाद है कौन सा है, एक संख्या के बाद। हम देखिए 144 यहां पे लिखे, यहां पे सिंपली हम यहां पे एक पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा एलसीएम निकल जाता है। यहां भी सेम है, देखिए यही चीज है, यहां पे हमने भी देखा 1.2, यहां पे तीन संख्या है, यहां दो संख्या है, ठीक है ना, यहां एक संख्या है, तो हम केवल यहां पे पॉइंट डाल देते हैं। तो मतलब हमने ये सीख लिया कि दशमलव में अगर लघुत्तम संख्या का लघुत्तम समावर्तक निकालना पड़ता है तो इकाई के स्थान से गिनने के बाद सबसे मिनिमम दशमलव की जो पोजीशन होती है, अगर एक संख्या है तो हम भी अपने जवाब में एक संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं, और अगर हमें दो संख्या होता तो दो संख्या के बाद लगा देते हैं। तो आशा करता हूं कि यह आपको क्लियर हो चुका होगा, दो मैथ इस पे और बना लेते हैं तो ये आपके समझ के साथ जाएगा। अब आइए दशमलव संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालने की विधि। देखिए 1.2 है, 0.016 है, 0.24 है, 3.6 का महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है, पहले देखिए वही हम करते हैं, 1.2 के जगह 12 लिखते हैं, 0.16 के जगह पे 16 लिखते हैं, दशमलव को हटा देते हैं, 0.24 के जगह 24 लिखते हैं, 3.6 के जगह 36 लिखते हैं, और महत्तम समावर्तक की भाग विधि करते हैं, मतलब चारों संख्या किसी एक संख्या से कटना चाहिए। तो देखिए चारों संख्या यहां से दो से काटा, तो काटने के बाद मेरे पास आया 6 × 12, 8 × 16, 12 × 24, 18 × 36, फिर देखिए सब दो से कट रहे हैं, तो फिर दो से लगा दिया हमने, 3 × 6, 4 × 8, 6 × 12, 9 × 18। अब चूंकि अब किसी एक संख्या से ये चारों संख्या नहीं कटते हैं, तो जब इसका हम महत्तम समावर्तक निकाले तो 2 × 4 हुआ। ये तो था कि हमने पूरे संख्या का महत्तम समावर्तक निकाला, अब हम दशमलव है तो देखिए लघुत्तम समावर्तक में, ध्यान से सुनिएगा, लघुत्तम समावर्तक में क्या होता है, दशमलव का मान उसका लिया जाता है जो सबसे इकाई के बाद सबसे पहले आया हुआ है। अब देखिए यहां क्या होता है, इकाई के बाद सबसे ज्यादा संख्या में कौन आया हुआ है वही दशमलव की मान को लिया जाता है। देखिए यहां एक संख्या के बाद दशमलव है, यहां एक दो तीन, तीन संख्या के बाद दशमलव है, यहां दो संख्या के बाद दशमलव है, यहां एक संख्या के बाद दशमलव है, तो हम सबसे ज्यादा क्या है, दशमलव तीन संख्या के बाद ये पोजिशन है, तो 1, 2, 3, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा जो आंसर 4 जो आया हुआ है यहां पे, जो हमने आंसर 4 मैंने का, सॉरी ये लघुत्तम हो गया है यार,
यहाँ कॉपी पेस्ट का है, ये HCF की बात हो रही है, ये महत्तम है, सॉरी आई एम सॉरी, ये महत्तम होगा, ये कॉपी पेस्ट हुआ है जिसके चलते ये झमेला हुआ है। तो ये महत्तम समावर्तक जो है वो आपका चार निकला था, अब चार के बाद दो सुन्नर बैठा के उसके बाद दशमलव रखते हैं, क्यों? हमारी जो सबसे ज्यादा जो संख्या है दशमलव के बाद वो था, उस वही उसी रूप में इसका आंसर आना चाहिए। तो चार के पहले हमने दो सुन्ना बैठा दिया, फिर दशमलव मार दिया, तो यही इस जो ये जो संख्याएं हैं इन संख्या का महत्तम समावर्तक बना। देखिए अगर इसको आपको पता नहीं था तब तो दो चार सवाल करना है, और अगर पता था तो दो सवाल करके पूरे दिमाग में इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चूंकि मैं YouTube में बराबर देता रहता हूं, मेरा WhatsApp नंबर सबको पता है, बराबर मेरे पास एक मैसेज आता है कि सर मेरा मैथ बहुत ही कमजोर है, मैं क्या करूं? मेरा सबसे निवेदन है कि अगर आप कमजोर हैं तो क्या पहले आप सोच लें कि एक आप भिन्न को जोड़ने में, भिन्न को घटाने में, भिन्न को गुणा करने में, भिन्न को भागा देने में असमर्थ हैं? क्या दशमलव के जोड़ में, दशमलव के गुणा में, दशमलव के भागा देने में असमर्थ हैं? क्या आप घातांक वाले मैथ का निकाल नहीं पाते हैं, घातांक के भागा को नहीं निकाल पाते हैं? क्या आप समीकरण के साधारण नियमों को नहीं जानते हैं? क्या आप LCM और HCF मतलब लघुतम समावर्तक महत्तम समावर्तक में संख्याओं को निकालना, फिर लघुतम समावर्तक में भिन्न का निकालना, भिन्न का महत्तम समावर्तक निकालना, फिर आप क्या कहते हैं घातांक का लघुतम समावर्तक निकालना, घातांक का महत्तम समावर्तक निकालना, ऐसी सारी चीजों को अगर आप नहीं जानते हैं तो दोस्त जान लेना आप कुछ भी कर लो आपको मैथ सीखना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक छोटा सा रास्ता निकाला है, अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो सपना देखे हैं वो सपना इनके बगैर पूरा हो ही नहीं सकता है। आप प्रतिशत लिख लें, सीख लें, कुछ भी सीख लें, अगर ये ऑपरेशन नहीं सीख पाएंगे तो फिर आप मैथ को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। और इसके लिए मैंने सब चीजों को देखते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है जो 7 दिन प्लस 7 दिन, 7 दिन में 5 चैप्टर सीखे जाते हैं जिससे ये सारे चीज हो जाते हैं, साथ में नेक्स्ट 7 दिन का प्रैक्टिस सेशन होता है। ये सारा का सारा ऑनलाइन है, किसी गांव गली कूचे में आप क्यों ना हो, मेरे से 1000 किलोमीटर क्या 1,00,000 किलोमीटर भी क्यों दूर ना हो, आप उसे कर सकते हैं। और व्हाट्सएप की तरह एक ऐप है जिसका मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, उसको जैसे क्लिक करते हैं ये मेरा ऐप है, ये ऑन हो जाता है। देखिए ये इसका पूरा चार्ज केवल 200 रुपये, ओनली 200, वन टाइम पेमेंट। तो नेचुरली क्या है कि कहीं पर भी कितना भी गरीब से गरीब हो वो भी अगर वो कुछ सपना देख रहा है तो उसके लिए मैं हाजिर हूं। अब देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर फोन ना करें लेकिन कुछ भी आपको पूछना है तो इस व्हाट्सएप नंबर को यूज करके हमें पूछें, इस कमजोरी से निकलने के लिए मैं आपको जवाब दूंगा और जवाब देके मुझे खुशी होगी, तो इस बात को अवश्य याद रखें। चलिए अब क्लास चलते हैं, आइए अब घातांक अर्थात सर्ट्स का लघुतम समावर्तक निकालने की विधि। देखिए इसमें दो चीज को आपको याद रखना होगा, जब बेस बराबर हो, आधार बराबर हो, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 to the power 4 है, यहाँ 2 to the power 5 है, यहाँ 2 to the power 7 है, ये 2 to the power 11 है, 2 to the power 19 है। तो एक चीज ख्याल करो, सबके नीचे क्या है, 2 है, ये आधार है। जब आधार 1 है सब 2 है, देखिए तो जब आधार यह है तब उसका अगर लघुतम समावर्तक निकालना होता है, और पावर सब प्लस में है, सारे पावर जो है सब प्लस में है, ठीक है ना। तो उसमें जो सबसे ज्यादा बड़ा है, तो देखो पावर में जो है सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, 19 है, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, यही हमारा लघुतम समावर्तक होगा। बड़ा ही आसान है यार, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना होगा, सबके बेस अगर बराबर होते हैं, अब उसका लेते हैं, देखो यहां भी सबका बेस बराबर है, ये 2 -2 है, 2 to the power -4 है, 2 to the power -5 है, 2 to the power -7 है, 2 to the power -11 है, 2 to the power -19 है, सबका बेस है 2 है, लेकिन इसका लघुतम समावर्तक ये -19 नहीं होगा, क्योंकि माइनस में सबसे बड़ी संख्या -2 होता है,
ठीक है ना। माइनस में सबसे बड़ी संख्या माइनस टू होता है, कैसे होता है थोड़ा समझ लेते हैं, दो मिनट की तो बात है। इधर आप लिखते हैं तो कैसे समझ लीजिए कि ये जीरो है, जीरो से यहां लिखते हैं एक, लिखते हैं यहां दो, लिखते हैं यहां क्या करते हैं, यहां पे आप माइनस वन लिखते हैं, माइनस ये क्या लिखते हैं, माइनस टू लिखते हैं, ठीक है ना। तो फिर ऐसे में क्या होता है, जो माइनस टू है वो जीरो के माइनस वन है, यहां पे जैसे वो सबसे करीब है, तो मतलब ये माइनस टू बड़ी है, माइनस वन बड़ी है, उसके बाद ही जीरो आ जाता है, इधर वाला होता है उतनी छोटी छोटा होता है। तो लघुतम समावर्तक जो है, लघुतम समावर्तक सबसे बड़ी संख्या के पावर को लिया जाता है। तो प्लस में माइनस 19 सबसे बड़ा हो गया, माइनस में क्या होता, ये तो माइनस वन था, ठीक है ना, ये यहां पे चूंकि माइनस टू तक था तो माइनस टू यहां पे सबसे बड़ी संख्या होके माइनस में उभर के आई, जिसके लिए इसका लसर जो है टू टू द पावर माइनस टू हो। अब देखो जब आधार बराबर नहीं है, देखो यहां दो टू टू द पावर टू है, यहां टू टू द पावर क्यूब है, यहां तीन हो गया, बेस नहीं है, यहां देखो तीन का स्क्वायर है, ये पांच है, देखो यहां पांच का स्क्वायर है, तो देखो आधार चेंज होते हुए जा रहे हैं, तो उनका लघुतम समावर्तक क्या होगा। अब देखो दो का है, दो का सबसे बड़ा क्या है, टू टू द पावर क्यूब है, तो उसको ले लिया हमने। अब देखो तीन में क्या है, तीन है, तीन का स्क्वायर है, कौन सा बड़ा है, तीन का स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है ना। और पांच, और पांच के स्क्वायर में कौन बड़ा है, पांच का स्क्वायर है, तो इन दोनों को, इनको ले लिया। इनकी जो गुणनफल होगी, मतलब दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ को आपको नौ से करेंगे, बहत्तर, बहत्तर को आप पच्चीस से गुणा करेंगे, तो फिर जो संख्या होगी वो संख्या जो है वो आपकी लसा का वैल्यू होगा। लेकिन यही अगर आपका माइनस टू में, समझ जाएंगे, अगर ये प्लस पावर प्लस में था, पावर अगर माइनस में हो जाता है तो उसका लघुतम समावर्तक क्या होगा, देखें बेसिकली देखें हैं, पहले आप क्या लेते हैं, इसका लॉसर क्या है, दो का क्या है, माइनस थ्री है, क्योंकि दो में माइनस थ्री बड़ा है, फिर तीन में क्या है, माइनस टू बड़ा है, पांच में क्या है, पांच में पांच का माइनस टू बड़ा है। अब ये तीन संख्या को जब लिखते हैं टू टू द पावर माइनस क्यूब, मतलब आप घातांक जरूर जानते हैं, इसका मतलब हुआ एक बटे आठ, थ्री टू द पावर माइनस टू, मतलब ये जो है तीन का जो वैल्यू होगा, तीन का स्क्वायर का वैल्यू नौ होता है, नौ नीचे चला जाएगा, एक बटे नौ। पांच का माइनस टू, मतलब पांच का स्क्वायर पच्चीस होगा, तो ये पच्चीस हो जाएगा। अब देखिए आप पहले इनका अगर लॉसा निकालना है, तीन भिन्न का अगर लॉसा निकालना है, ऊपर का लॉसा क्या होगा, ऊपर का लॉसा एक होगा, और आठ नौ पच्चीस आपस में कोई संख्या नहीं है, इसे कोई काट नहीं सकता है, तो मतलब इसका मौसा भी क्या होगा, इसका मौसा एक होगा, एक बटे एक बराबर एक हो जाता है। तो इसको एकदम शॉर्टकट में याद रखते हैं कि अगर बेस अलग अलग है, ठीक है ना, और बेस अलग अलग है और पावर अगर माइनस में है तो उसका एलसीएम जो निकलेगा वो आपका एक मान होगा। इसे एक कॉपी पे एक जगह लिख दें, क्योंकि ये तो समझने के लिए सही है, तेजी के साथ मैथ करने के लिए फिर आप इसको दोबारा सोचे नहीं, बल्कि आउटपुट को सोच लें कि किसी भी किसी बहुत सारे संख्या जिनके आधार अलग हैं और पावर माइनस में है, उनका लघुतम समावर्तक जो है, आधार अलग अलग है तो लघुतम समावर्तक जो है वो हर हाल में एक ही होता है। आशा करता हूं कि ये चीजें क्लियर है। अब जरा हमने घातांक का लघुतम समावर्तक देखा तो उल्टा महत्तम समावर्तक भी देखना होगा, है ना। अब आइए किसी सर्ड्स का महत्तम समावर्तक या एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो वही है कि जब आधार, इसके दो कंडीशन हो सकते हैं, ये दो कंडीशन हमें दिमाग में रखना होगा, जब आधार बराबर हो और जब आधार बराबर नहीं हो। तो देखिए अगर आधार बराबर हो, देखिए यहां पे सबके आधार बराबर है, यहां भी सबके आधार बराबर है, तो महत्तम समावर्तक में क्या होता है कि आपके उल्टा होता है, एचसीएफ में सबसे कम पावर वाला तो देखा जाता है, तो यहां पे टू टू द पावर स्क्वायर है, देखिए ये पावर में सबसे कम है, क्यों, पावर दो से चला है, उन्नीस पे आके खत्म हुआ है, तो ये जो है, ये जो है आपका महत्तम समावर्तक होगा, देखिए टू टू द पावर स्क्वायर, ठीक है, बड़ा सिंपल।
और जब माइनस में होगा तो सबसे मतलब सबसे छोटा क्या होगा, देखिए यहां 2 से शुरू हुआ था, ये क्या है माइनस 19 माइनस 11 माइनस ये, तो सबसे छोटा कौन सा है भैया, ये है। तो यहां पर जो है माइनस 19 जो है इसका महत्तम समावर्तक होगा। देखिए लघुत्तम समावर्तक का सीधा उल्टा महत्तम समावर्तक होता है और ये शर्त्स में तो पूरा लगता है। और एक चीज जान लीजिए, जब आधार बराबर नहीं है, जब आधार बराबर नहीं है तो फिर आधार बराबर नहीं है, देखो यहां 2 2 है, 3 है 3 है, 5 है 5 है, तो मसा 1 होता है। जब आधार, जब ये पावर में भी है लेकिन आधार बराबर नहीं है तो भी मसा 1 होता है, ये तो याद कर लेने की बात है। तो आशा करता हूं कि देखिए लसा और मसा के साथ जुड़ा हुआ जितने भी तरीके थे हमने आपसे चर्चा किया, आपने उन्हें देखा अपने समय निकाल के। अब थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करें, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर से ये भूल जाएंगे, इस बात को तो मान के चले। देखिए बेसिक के मेरे जितने भी वीडियोस हैं जो मेरे को लगा कि आपको शेयर करना चाहिए, तो उसको मैंने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट में करके आपको दे दिया है। साथ साथ में कुछ चैप्टर्स मेरे को लगा कि आपकी तैयारी में शायद मददगार हो सके तो मैंने दिया हुआ है, और आपने समय दिया इसके लिए मैं आपको अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ एक बात को फिर से बोलना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने घंटी को दबाया नहीं है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम आप और मैं एक साथ हो सकें, क्योंकि ये भी देखो एक महासागर की तरह हो चुका है YouTube। करोड़ों वीडियो में एक वीडियो ढूंढे मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर लगता है कि मैं आपको पढ़ाने के काबिल हूं, आपके काम आ सकता हूं, तो सब्सक्राइब और घंटी का बेल बजाना कभी ना भूलें।